हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करीम और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूट्यूब का एंड स्क्रीन बनाना, कई लोग इसको एंड कार्ड भी बोलते हैं, और ये हम बनाएंगे पावर पॉइंट के अंदर। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, अगर आपके घर पर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल में ट्राई करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि एंड स्क्रीन बनाने की जरूरत क्या है, गूगल पे आराम से डाउनलोड करके हम लोग लगा सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, आप लोग डाउनलोड करके लगा तो सकते हैं लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा, क्योंकि आप अगर किसी का डाउनलोड करके लगाते हैं यानी कि उसको कई लोगों ने डाउनलोड किया होगा और अपने एंड स्क्रीन में लगाया होगा, तो जब कोई देखेगा तो यार ये तो उसका चुराया हुआ लगेगा आपका, तो आपका ओरिजिनल नहीं रहेगा। तो और एक भी इशू होता है कि हो सकता है कॉपीराइट का इशू हो जाए, किसी और ने वो बनाया है तो उसका कॉपीराइट, ये बहुत सारे मसले होते हैं आपको नहीं पता होगा, तो ये बाद में आ सकता है आपके लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसी का एक मिनट वर्जन देखना है तो मेरे YouTube शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने लैपटॉप में पावर पॉइंट ऑन कर लिया है, यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कीजिए, इस तरह का आपका पेज आएगा। उसके बाद लेआउट में जाइए, ब्लैंक पे क्लिक कीजिए। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, जो जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, आपका एक बहुत ही बेहतरीन एंड स्क्रीन तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ये व्हाइट रंग का इसको कुछ डिजाइन या कलर देना है तो डिजाइन में जाइए, यहाँ बहुत सारे डिजाइन है, यहाँ पे मोर के ऑप्शन में क्लिक कीजिए, इतने सारे आपको डिजाइन दिख रहे हैं, कोई भी एक पसंद कर लीजिए। जैसे मुझे एक पसंद आया था ये वाला, यहाँ क्लिक कर लिया, लेकिन इसका कलर मुझे पसंद नहीं है। जैसे आपको भी अगर इसका चेंज करना तो यहाँ मोर पे जाइएगा, डिजाइन कलर्स में बैकग्राउंड कलर्स, यहाँ पे देखिए ब्लैक ब्लू, ये तो मेरा जो थीम है ग्रे एंड येलो का, तो मैंने बैकग्राउंड ग्रे रखा है और उसके ऊपर जो बाकी का बनेगा मैं उसको येलो रखूंगा। तो चलिए देखिए हमारा ये बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे सब्सक्राइब का एक गोल वाला बटन लाना है, तो उसके लिए इंसर्ट में जाऊंगा मैं और यहाँ बेसिक शेप्स में यहाँ पे भी रहता है जरूरत, या होम पेज में यहाँ पे आपका ओवल दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ड्रैग करके इसको गोला बनाइए, परफेक्ट गोला होना चाहिए, बस ये ठीक है, बस यहाँ क्लिक रख दीजिए, बस अंदाज से जो आपको लगता है कि इस साइज में हो जाएगा कर दीजिएगा। अब यहाँ देख सकते हैं शेप फॉर्मेट का टैब आ गया है, अगर आप इस पर क्लिक रहेगा शेप पे तभी आएगा, अगर नहीं है नहीं आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज को। फिर शेप फिल में जाइए, नो फिल कर दीजिए, यानी कि अंदर कोई कलर नहीं चाहिए हमको, और यहाँ पे शेप लाइन में जाएंगे आप लोग तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैं यहाँ पे येलो कलर ले लिया, और थिकनेस वेथ यानी मोटाई कितनी लेनी है, मैं 6 ले ले रहा हूँ। और उसके बाद फिर लाइन आउटलाइन शेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ पे वेथ हमने कर लिया सॉरी, अब शेप आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन कैसा चाहिए, तो यहाँ पे ये ठीक है मेरा, ओके इतना कर लिया हम लोगों ने, अब इसका पोजिशन ये ठीक ही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप लाएंगे जिसके अंदर हमारा वीडियो आएगा जो यूट्यूब सजेस्ट करता है देने के लिए एंड कार्ड में, तो यहाँ पे हम लोग वीडियो लगाएंगे, तो इतना लंबा इतना बड़ा ठीक है, इसके अंदर ही रखेंगे हम। इसके अंदर भी सेम करेंगे हम लोग, शेप के अंदर नो फिल करेंगे, लाइन को हम लोग येलो करेंगे कलर में, और वेथ में मोटा हम लोग 6 कर देंगे, और डिजाइन सेम ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, चलिए ठीक है इतना हो गया। उसके बाद यहाँ एक और हमको रेक्टेंगल चाहिए दूसरे वीडियो के लिए, तो वो हम बाद में लेंगे क्योंकि इसको भी बहुत सारे एनिमेशन वगैरह देना है, तो एक ही बार सब कॉपी करके एक साथ हो जाएगा, वो आप देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा क्या बात है। अब यहाँ पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन बनाना है, उसके लिए फिर से शेप्स में जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए ये वाला रेक्टेंगुलर में जाइए, राउंडेड रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगुलर को यहाँ बना लीजिए, और यहाँ पे येलो रंग का बटन देख रहे हैं इसको पकड़ के ड्रैग कीजिएगा तो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, अब यहाँ पे परफेक्ट लग गया। अब सब्सक्राइब का बटन का यूनिवर्सल कलर होता है रेड, तो मैंने यहाँ रेड दे दिया। शेप आउटलाइन में जाएंगे, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, और इसकी थिकनेस मोटा कर दे रहा हूँ, ज्यादा मोटा नहीं, ये दो परफेक्ट ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इसमें लिखेंगे सब्सक्राइब, डबल क्लिक कीजिए, इसके अंदर आपका टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आएगा, लिखिए SU, यहाँ लिख दिया हमने सब्सक्राइब। अब इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ देखिए एक विंडो पॉपअप हुआ है, इसके अंदर आप ये बड़े वाले से इसको बड़ा कर सकते हैं, इसे छोटा कर सकते हैं, या तो आप होम पेज में भी यहाँ पे रहता है बड़ा करने का ऑप्शन, छोटा करने का ऑप्शन, मैं इसको बस बोल्ड कर देता हूँ, ये साइज सही है हमारा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग एंड प्रेस द बेल, उसके लिए हम यहीं पे देखिए शेप्स में यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, क्लिक कीजिए, जितने दूर में लिखना है आपको क्लिक करके ड्रैग कीजिए उसमें, अब यहाँ पे लिख दीजिए एंड प्रेस द बेल, यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको आप बड़ा करना तो सेम उसी तरह से इसको आप डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ इसे बड़ा कीजिए, इतना काफ़ी है, इसको बोल्ड करना है और ठीक है बोल्ड भी ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बेल का आइकॉन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में जाइएगा सिंबल, और यहाँ देख सकते हैं एक बेल का आइकॉन दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे तो हो सकता है आपका कहीं और पे होगा, तो बस
इस वाले टैब में जाके फॉन्ट वाले टैब में वेडिंग में सबसे नीचे रहता है ये वेडिंग, यहाँ पे है वेडिंग में क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट बेल पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका बेल आ जाएगा। देखिए मेरा बेल आ चुका है यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा करना है, इसको सेलेक्ट करूंगा मैं और होम में जाके ये वाले से बड़ा कर दूंगा मैं। ये हो गया हमारा। अब थोड़ा ज्यादा ही बाहर है, सबको सेलेक्ट करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसमें एनिमेशन देंगे हम लोग, तो उसके लिए हम एनिमेशन टैब में जाएंगे। एनिमेशन टैब में देख सकते हैं कोई भी एनिमेशन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको एनिमेशन देना उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं सर्कल वाले को दे रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं स्पिन ये घूम रहा है, लेकिन बहुत स्पीड घूम रहा है। तो बाकी सब चीज करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एनिमेशन टैब खोल लेता हूँ, एनिमेशन टैब, और यहाँ जाके यहाँ पे जो छोटा सा एरो दिख रहा है क्लिक कीजिएगा, टाइमिंग में जाइएगा। अब यहाँ पे आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टार्ट कैसा चाहिए आपको, मैं चाहता हूँ विद प्रीवियस, यानी सारा एक साथ हो। ड्यूरेशन कितना चाहिए, आप जितना टाइम बढ़ाइएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ फास्ट स्लो मीडियम, मैं वेरी स्लो रखता हूँ, स्लो रखता हूँ खाली बस। ओके देखते हैं बस, ठीक है। अब इसको आपको कैसा करना है, मैं इसको ब्लिंक कराना चाहता हूँ इस वाले शेप को, तो फिर वापस इसमें जाएंगे हम लोग और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिंक का यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मोर इफेक्ट्स में जाइएगा और यहाँ पे है ब्लिंक। ओके अब यहाँ पे जाके इसको भी हम टाइमिंग में जाके सबसे पहले विद प्रीवियस और यहाँ पे जाके हम लोग ड्यूरेशन कैसा करना है, फास्ट या मीडियम, फास्ट ही रहने देता हूँ। ओके ठीक है, चलिए ये दो हो गया। अब ये सब्सक्राइब वाले बटन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से खाली टेक्स्ट को हमको एनिमेशन देना है, फिर वापस उसी में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरे रंग का इंट्रेंस के लिए ये इम्फेसिस है, यानी कोई चमत्कार वगैरह करेगा, एग्जिट और ये सब चीज दूसरी है, बाद में कभी किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इसको। फिर मोर में जाऊंगा मैं और यहाँ पे देख सकते हैं वेव बोल के है, ये देखिए एक एक लेटर अच्छे से वेव करेगा। ओके कर दो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं यहाँ पे जाऊंगा क्लिक करके टाइमिंग में, स्टार्ट कैसे चाहिए हमको विद प्रीवियस, स्पीड वगैरह कैसे चाहिए, वेरी फास्ट नहीं, इसको मीडियम रखते हैं। ओके अब देखिए किस तरह से सब्सक्राइब बड़ा अच्छे से पड़ रहा है। ओके ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको, सबको अंटिल स्लाइड एंड करना, मतलब जब तक स्लाइड एंड में सारे एनिमेशन काम करे। जैसे देखिए मैं अभी प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से आप सैंपल देख सकते हैं, बस एक बार वो अपना एनिमेशन करके रुक जाएगा सारा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक देख रहे हैं स्लाइड शो, या F5 मारिए कीबोर्ड पे, या नीचे आप देख सकते हैं स्लाइड शो, या कीबोर्ड पे F5 दबाइए, आपका स्लाइड चालू हो जाएगा। देखिए एक बार होके सब रुक जाएगा, तो मैं चाहता हूँ एंड तक चले, तो एस्केप बटन दबाइएगा कीबोर्ड पे, ये हट जाएगा और उसके सारे को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप कंट्रोल पकड़ के हर एक को सेलेक्ट करते चले जाइए और यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके टाइमिंग में जाइएगा और नीचे अंटिल स्लाइड एंड पे रिपीट अंटिल स्लाइड एंड पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब F5 दबा के देखिए, जब तक स्लाइड एंड नहीं होगा, यानी आप जब तक एस्केप नहीं करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। देखिए सब्सक्राइब का बटन नहीं चलता, लेकिन मेरे को सब्सक्राइब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूंगा सब्सक्राइब वाले पे क्लिक करूंगा। यहाँ जीरो देखिए, ये जीरो का मतलब यहाँ जो हाईलाइट हो रहा है ये एनिमेशन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो रहा है। यहाँ जाके इसको हम लोग टाइमिंग में जाके वंस कर दे रहा हूँ, एक ही बार इसको नचिए। ओके आपको ये वाला Ctrl D डुप्लीकेट कर देंगे इसको और यहाँ पे लाके इसको रख देंगे, यानी दो वीडियोस के लिए हो गया हमारा। और F5 दबाता हूँ, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बीच में रख दीजिए, इसको यहाँ रख लीजिए इस साइड, और इसको इस साइड रख दीजिए, और इसको यहाँ रख दीजिए, और बेल को यहाँ रख दीजिए। और एक चीज लिख देते हैं इसमें, यहाँ पे लिख देते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंसर्ट में जाइएगा, वर्ड आर्ट में बहुत तरह के वर्ड्स मिलेंगे, आपको कोई भी डिजाइन पसंद है, मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है, यहाँ क्लिक करके जहां लिखना है उसको पोजिशन कर दीजिए, और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये मैंने लिख लिया थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ पे इसको मैंने बीच में लगा दिया। चाहे तो इसको भी एनिमेशन दे सकते, फिलहाल मैं दूंगा और F5 दबा के अब देखते हैं कैसा लग रहा है। देखिए देखिए हमारा एंड स्क्रीन तैयार हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें जो भी कलर डालना कलर वगैरह डाल के आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया है आपको। तो अब इसको क्या करना है हमको, वीडियो फॉर्मेट में सेव करना है, क्योंकि इसको एंड स्क्रीन में लगाना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, सेव एज में जाना है, डेस्कटॉप पे जाइएगा। डेस्कटॉप में जाने के बाद या जो भी नाम, मैं फिलहाल एंड स्क्रीन नाम दे रहा हूँ, सेव एज टाइप, टाइप मतलब फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, या बहुत सारे फॉर्मेट है PDF, ये सब चीजें हैं, GIF, JPG, मैं यहाँ पे
MP4 वीडियोस में कर रहा हूँ, यहाँ भी कहिए करिएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिएगा आप यहाँ पे क्रिएटिंग वीडियो एंड स्क्रीन, चलिए यहाँ पे अब कन्वर्ट हो रहा है, ज्यादा नहीं आधा मिनट लगेगा, जैसे हो गया मेरा। अब चलिए दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप जैसा भी चाहे वैसा बना सकते हैं अपना एंड स्क्रीन कस्टमाइज करके अपने हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर इसका एक मिनट का वर्जन देखना है तो मेरे चैनल में जाकर इसका शॉर्ट वर्जन देख सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में। थैंक यू दोस्तों।